जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं बटरफ्लाई का, और टेक्नोलॉजी का जो है बहुत अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्टर के थ्रू जो है ये चीज कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं, कभी गिना नहीं ना। पूरा अर्थ का जो है वो एक हिस्ट्री दिया गया है कि जो हमारा देश दुनिया जो है ग्लोब जो है वो किस टाइप है। ये राजगीर सफारी जू है जिसमें कि हम लोग अभी जा रहे हैं, और जो है कि ये जो है जू आप देख सकते हैं, यहाँ राजगीर सफारी जू। जैसा कि आप जो है देख भी रहे हैं वीडियो में आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये राजगीर जू है, और यहाँ पे जो है ना ये पूरा अर्थ का जो है वो एक हिस्ट्री दिया गया है कि जो हमारा देश दुनिया जो है ग्लोब जो है वो किस टाइप से एवलेट हुआ और किस टाइप से जो है ये टाइम टू टाइम जो है अपना स्वरूप जो है वो बदला है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट जो कि अभी है, और अभी के हिसाब जो है उस हिसाब से जो है दिया हुआ है, उसके बाद जो है फिर 240 मिलियन ईयर पहले जो है वो कैसा था धरती, तो वो आप ये देख सकते हैं जिसमें ज़्यादातर जो है वो पानी ही पानी था। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है वो 400 मिलियन ईयर अगो का है जो कि इस टाइप से दिखता था पृथ्वी। उसके बाद जो है ये है 250 मिलियन ईयर अगो का जिस टाइम में धरती जो है वो इस टाइप का दिखता था, और उसके बाद जो है ये 2.38 से लेकर 2.5 बिलियन तक 3.8 मिलियन ईयर से लेके 2.5 बिलियन ईयर अगो का धरती जो है वो इस टाइप से दिखता था हम लोग का। उसके बाद जो है लास्ट वन जो है वो है 4.5 बिलियन, जिसमें कि पूरा धरती जो है वो ज्वाला से ही बना हुआ था, कहीं कहीं पे जो है वो एरिया जो है पहाड़िया ये था, और धीरे धीरे जो है साथ जो है कि पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ज्वाला फटा उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होके वो जो है धरती का स्वरूप है। तो ये हमारे पूरे दुनिया का ग्लोब का नक्शा है, और आगे जो है ये प्लेन इसका पहाड़ का डिज़ाइन है कि किस तरह से नदी जो है वो एक पहाड़ में फॉर्म होती है और वो धीरे धीरे जो है फिर प्लेन की तरफ चला जाता है। और ये मुझे जहाँ तक लगता है कि राजगीर का ही जो है वो है, राजगीर के जो पहाड़ हैं वो है, और इसमें लेयर्स वगैरह बताया गया क्या क्या होता है, जैसे नीचे कॉन्क्रीट पत्थर है, उसके बाद जो है कि फिर धीरे धीरे ये है। साथ में जो है यहाँ पे इंसान का किस तरह से जो है वो जो है एक जानवर से लेके फिर मंकी से लेके फिर इंसान के स्वरूप में जो आया उसका पूरा दिया हुआ है। तो ये जो है सबसे पहला वाला हो गया है, सबसे पाया हमने। The move may not usually fall as easily as it is. Quite a few fossils of the consorts have been found in East Africa. The skull was primitive, the brain was small, yet the comparatively small size of the muscle and teeth suggests not a muscle. जो है इस तरह इंसान जो है इंसान के रूप में जो है वो एवोल्यूट हो गए, और जो है एवोल्यूशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ये उसके साथ में जो है वो बंगाल टाइगर का जो है वो मेल वाला है बंगाल टाइगर, इसके साथ में जो है वो एक फीमेल बंगाल टाइगर का जो है स्पीशी रखा हुआ है, और साथ में जो है कि ये शेर है जो हम इसके बारे में बोलते हैं, और ये उसका जो है फीमेल वर्ग है, ये जो लाइन का शेर का जो है वो फीमेल वर्ग है, और ये लियोपोएड है जो कि तेंदुआ जिसको बोलते हैं। और ये जो है कि आप लोग अभी जंगल सफारी में जो का जो वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी जो है कि ये आपको देखने को मिला होगा। ये हो गया है बियर, अभी सोच लीजिए हम लोग को सफारी में नहीं दिख पाया था बियर, और ये जो है वो हियर हो गया सांभर जिसको बोलते हैं हिरन, ये इसके प्रकार हैं जो अलग अलग नाम से। और ये हो गया चीतल जिसका नाम है,
जो हॉग बियर है साथ में ही जो है एक टेक्नोलॉजी का जो है उसको मिलन करके जो है कि एक बटरफ्लाई तरीके जो भी बनाया गया वो भी मैं ये करूँगा। यहाँ पे एक भैया हैं उससे हम लोग जानते हैं इस म्यूजियम के बारे में और इस पार्क के बारे में और उनसे हम लोग पूछते हैं, वो जो है वो सारा चीज़ बताएंगे हम लोग जो है क्या है इसके बारे में बताइए और इस पूरे कैंपस के बारे में बताइए क्या क्या है। क्या क्या मतलब टिकट आपके पास किस चीज़ का है? मेरे पास जो है टिकट सारा जितना भी यहाँ पे है वो सारा सबका है। टिकट आप दिखाएंगे, टिकट दिखाने के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये रहा टिकट, ये है एंट्री टिकट और सफारी टिकट। सफारी टिकट जो है वो शायद मेरा ग्रुप के साथ में होगा। ठीक है, ये है क्लास टिकट, ये है एंट्री टिकट, ये जो सफारी का एंट्री टिकट है। इस एंट्री टिकट से हम बाहर में सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसी एंट्री टिकट से आप यहाँ पर मतलब स्कैनिंग होता है, यहाँ पर आगे बढ़िएगा आपको मिलेगा 3D थिएटर मिलेगा, यहाँ पर म्यूजियम मिलेगा, यहाँ पर बटरफ्लाई मिलेगा। इसी टिकट से आपको 3D थिएटर देखना है, अंदर में म्यूजियम देखना है, अंदर में बटरफ्लाई देखना है। म्यूजियम के अंदर बटरफ्लाई है, ये सब देख लेने के बाद बाहर में है चिल्ड्रन पार्क बच्चों के लिए। अच्छा, वहाँ वो सारा इसी टिकट में। और इस टिकट से एंट्री टिकट है, इसी टिकट वहाँ पर काउंटर के पास देंगे आपको सफारी का टिकट मिलेगा। सफारी का टिकट मिलेगा 1-2 उसके लिए चार्ज अलग। हाँ, उसका चार्ज अलग है, अलग से। इस एंट्री टिकट से है सारा मतलब कैंपस में एंट्रेंस वगैरह सारा सब कुछ इसमें घूम सकते हैं। और वो सफारी के लिए 150 लगता है। और इसमें क्या, इसमें सफारी में क्या, इसमें जू में क्या आता है जो इनका? जू, जू में देखिए क्या होता है, जू में है देखिए पटना चिड़ियाघर देखे होंगे, जू में है जो जानवर कैद रहेगा और हम लोग आजाद रहेंगे, जिधर जिधर चाहेंगे उधर जा सकते। हाँ, वो सफारी में तो वो समझ में आ गया। जू सफारी, सफारी का मतलब हो गया कि हम लोग कैद रहेंगे और जानवर आजाद रहेगा। इसके बारे में आप बताइए जो अभी हम वीडियो में देख रहे थे हमारे यूजर। ये है इंटरप्रिटेशन सेंटर, व्याख्या केंद्र है। ठीक है, व्याख्या केंद्र, हर चीज का व्याख्या किया गया है। और ये एनिमल जितना भी दिखाई दे रहा है ना जी, दिखाई दे रहा है हमारे जो सफारी में उपलब्ध है जी। अच्छा, जो सारे सफारी में है वो उसको यहाँ पे जो है कि एक तरह से रिप्रेजेंट करने का यहाँ से जो है कि किया गया। हिरण का सबसे बड़ा प्रजाति है सांभर, सांभर का मेल है, ये फीमेल है, फीमेल है। ये हो गया स्पॉटेड डियर यानी चीतल। अच्छा, चीतल। सिंग वाला जो है मेल है, ये फीमेल है। ये हम लोग अभी देख रहे हैं, हिरण दिख रहा है जी, सारा है मेल है, जो सिंग वाला है मेल है। और ये तो वो ब्लैक हिरण है जो सलमान खान सर जो है कि वो इसीलिए विवाद में अंदर गए थे। हिरण का सबसे छोटा प्रजाति है, ये पार्किंग डियर है। अच्छा, ये जैसा कुत्ता जैसा भोंकता है, ये हॉग डियर, इसका सूअर जैसा इसका आवाज है। अच्छा, सूअर जैसा आवाज है। वो भी है, चीतल है, छोटा डियर है, ब्लैक बक है, ब्लैक बक जी सलमान खान जो इसी की वजह से जो है। चीतल डियर है, जब चीतल डियर को जब जन्म होता है कलर इसका ऐसा रहता है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ने के बाद ये किस रूप में आ जाता है। अच्छा, इस रूप में आ जाता है, ऐसा जो होता है फिर इस रूप में आ जाता है। अच्छा जी, इसका फाइनल रूप जो है ये जी। तो ये सब चीज़ जो है आप अंदर जब सफारी का जो है टिकट लेंगे और उसका ट्रैवल करेंगे तो वहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आप लकीली है तो आप जो है शेर वगैरह भी जो है चंदवा वो भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ये जो है कि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पूरा प्रक्रिया है, विकास की तरह जितने पार्ट्स में इसका जी जो जो एरा रहा वो इंसान बन गया। अच्छा, सातवां पीढ़ी में आके हम लोग जो इंसान जो अभी प्रेजेंट में मॉडर्न मैन में हम लोग है अभी। और उसके बाद एक यहाँ पे पहाड़ का भी ये रखा हुआ, वो क्या है? वो पहले जब डायनासोर का जब अंत हुआ था ना, वो जो पृथ्वी देख रहे हैं। अच्छा, वो तो पृथ्वी वाला जी, वहाँ से आएंगे तो हम लोग बताएंगे। अच्छा, तब ये वहाँ से एक पूरा इसका ये है। अच्छा, ये है जो पृथ्वी है, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। ये जब फर्स्ट टाइम मतलब जब दुनिया का जब जन्म हुआ उसका जन्म हुआ तो ऐसा था। अच्छा, जब डायनासोर का जब अंत हुआ ना जी, एक एस्ट्रॉइड टकराया। हाँ, ये ऐसा मतलब ऐसा हो गया लावा बॉल। अच्छा, कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, टकराया था तो डायनासोर का 90% उस टाइम है जो धरती पर डायनासोर का वास होता था जी, 90% खत्म हो गया, मतलब जीवन उसी का बचा जिसका 30 kg वजन था उसी का जीवन, और बाकी सारे चीज जो 90% खत्म हो गया जो है। कुछ दिनों के बाद ये फेल ओरिएंटेड का निर्माण हुआ। अच्छा, ये लावा बॉल के
लावा बॉल था, बहुत बड़ा पहाड़ था वो, मतलब आग था, ये था वो, धीरे धीरे ठंडा ना, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर, पेड़ ऑरेंज रोड तक निर्माण कुछ दिनों के बाद फिर स्नो बॉल जी पूरा प्लेन हो गया। हाँ, फिर ये है फॉर्मेशन ऑफ गैसेज निर्माण हो, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का निर्माण हुआ है, अर्धमानचित और प्रेजेंट अर्थ, ये है प्रेजेंट अर्थ का भी जो है पूरा ये है। उसके बाद ये जो है, ये है समुद्र, ये समुद्र दिख रहा है, समुद्र के बीच में पठार नहीं होता है। अच्छा, वो है, और ये यहाँ से जो है बनाया गया है, ये धीरे धीरे विकास हुआ है, देख रहे हैं बालू से। हाँ, बालू से फिर पत्थर और इस तरह करते करते अलग अलग क्षेत्र में जो है कि अलग अलग ये हुआ, कहीं पे घास है, कहीं पौधा है, कहीं फॉर्म पहाड़ का जो है कि निर्माण हो गया है। जी जी, ये तो ये हो गया। और ये जो है वो है बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई है। अच्छा, बटरफ्लाई यहाँ पे जो है क्या दिया गया है कि बटरफ्लाई है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं बटरफ्लाई का, और टेक्नोलॉजी का जो है बहुत अच्छा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्टर के थ्रू जो है ये चीज़ को जो है ये किया जा सकता है, और आप यहाँ पे फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं, और साथ में जो है कि बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा यहाँ का। अक्सर आप जो है कि फिल्म वगैरह में इस टाइप के लोकेशन को आप देखते हैं। और सामने जो है इस कैंपस के जो है बाहर जो है वो ही जो है एक आपका 3D जो है कि बॉक्स है, जिसमें आप जो है कि वो सारा चीज़ जो है देखेंगे। तो हम लोग अभी जो है कि उस बॉक्स में चलते हैं, फिर जाके वहाँ जो है सारा कुछ को देखते हैं, और फिर जाके हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 3D थिएटर में जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद जो है कि फिर आपको बताते हैं। अब हम लोग जो है वो इंटर कर रहे हैं थिएटर के अंदर, और जो है कि यहाँ पे जो है थिएटर में जो है वो 3D के कॉन्सेप्ट से जो है आपको सारा कुछ बताया जाता है इस सफारी के बारे में और यहाँ के पूरे बारे में। यहाँ प्रॉपर जो है वो एक सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह किया गया है, और ये जो है ये कितने दिन में आप ही हमारे इधर कितने दिन में ये स्टार्ट होगा? 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो है आपका वो एक टिकट मिलता है 100 रुपीज़ का जो है जू सफारी के लिए, उसी में इंक्लूड होता है। और यहाँ पे तो अच्छे, ये तो 3D कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह भी होता है अगर कोई स्पेशली यहाँ पे कुछ होता है जिस तरह से, मतलब कि इसी डिपार्टमेंट का कोई ऐसा कुछ होता है ना, तो यहाँ पे जो है वो आप जो है कि आके उसका भी जो है मजा ले सकते हैं। हार्डली जो है आपको 10 से 15-20 मिनट जो है कि उसका लगेगा। अभी जो है उसका कुछ पार्ट जो है वीडियो में भी देख लेंगे, बाकी जो है वो आप आके यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक भाई हैं जो वो देखते हैं यहाँ पे सारा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह। आपका नाम क्या है भाई? सोनू कुमार। तो जी, ये सोनू कुमार भाई हैं, ये जो है यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ पे का। क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में औसतन करीब 22,000 बार सांस लेते हैं? कभी गिना नहीं ना? और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शॉर्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं? क्यों, यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50-80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब,
सिर्फ ये जंतु मछलियाँ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव कितने मजे ले रहा है, देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाद लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी घबराती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है उतने ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियाँ इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएंगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं है। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक।
मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। अब हम लोग जो है वो 3D थिएटर से जो है निकल रहे हैं। यहाँ पे जो है जीवन का स्रोत जो है और जो प्रकृति है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर किया जाता है बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही लाजवाब जो है कि वे में जो है कि इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो आप वो भी ज़रूर देखें आए तो यहाँ। और अब जो है कि हम लोग जो है ऑलमोस्ट जो है सारा जितने भी पार्ट्स थे वो हम लोग विजिट कर चुके हैं और टाइम हो गया कि हम लोग जो है वो कैंपस से बाहर जो है जाएंगे। तो साथ में जो है हम लोग यहाँ पे कुछ और जो है एरिया लोकेशन वगैरह हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके लिए जो है शायद कैफेटेरिया होके ही जो है एग्जिट पॉइंट है। तो अगर आप राजगीर का प्लान बनाते हैं तो एक दिन जो है वो पूरा आप जो है कि जंगल सफारी और जो है ग्लास ब्रिज के लिए वो निकाल लीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपको लग ही जाएगा पूरा टोटल। और एक दिन जो है आप बाकी जगह पर घूमने के लिए जो वो निकाल लीजिए। शाम के वक्त में आप कुछ एक्स्ट्रा प्लेसेस जो है वो आप जो है यहाँ पर घूम सकते हैं वो इवनिंग के टाइम में, जैसे एक पांडव पोखर है वो 8 बजे रात तक खुला रहता था, वो जा सकते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं पहले, फिर आपको बाहर का लोकेशन जो दिखाते हैं। ये जो है बाहर का लोकेशन है, जैसा कि आप ये पीछे देख भी पा रहे होंगे कि ये बाहर का जो है पूरा व्यू है। आप यहाँ पे जो है फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। साथ में जो है कि आप यहाँ पे मॉर्निंग में मैं यहाँ का नहीं ले पाया था, तो ये जो है मैं देखता हूँ किस पार्ट में एडजस्ट हो पाता है, तो जिस पार्ट में एडजस्ट हो पाएगा मैं उसमें दे दूँगा। बाकी फ़ोटो का मैं कोशिश करता हूँ कैमरा से लेने का, अगर अच्छा आ जाता तो वो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में भी धूप था तो नहीं आ रहा था क्लियर, और अभी भी देखते हैं क्या रहता है। तो और यही जो है वो एंट्री पॉइंट है, यहीं से आपको ग्लास ब्रिज और जो है साथ में आपको सफारी के लिए दोनों जगह के लिए मिलता है। अंदर एंट्री ब्रिज मिल जाएगा और सामने जो है कि आप वीडियो में देखेंगे भी वो वहाँ से आपको टिकट जो है वो लेना होगा। बाकी चीज़ें जो है वो मैं आपको जो है होटल पहुँच के जो है वो बताता हूँ। इस वीडियो में जो है यहीं तक वो आप एग्ज़िट कर रहे हैं, जिधर से एंट्री है उधर से ही एग्ज़िट है, और जो है कि ये यहाँ से जो है कि आप टिकट मॉर्निंग में ले सकते हैं। टिकट का जो है कि आप बाद में भी ले सकते हैं अगर फुल नहीं हो तो, शुरू में जो है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता था, बट लेकिन अभी तो है वो मिल जाता है बहुत ईजी वे से। तो चलिए हम लोग बाहर चलते हैं फिर बाकी बातें करते हैं। ये जो है बाहरी वाला कैंपस है, मॉर्निंग में आपको टिकट लेने के लिए जो है यहीं पर रुकना होता है। और ये जो है पूरा कैंपस है, यहाँ पे जो है कि आने वाले समय में जो है और भी प्लांट्स वगैरह या फिर बाकी चीज़ें लगाई जाएगी। और ये एंट्री गेट है और एग्ज़िट के लिए आप दोनों तरफ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, जो कि आप अक्सर जो है वो देखते हैं न्यूज़ वगैरह या कहीं देखते होंगे, तो ये वाला पार्ट या किसी का ब्लॉगर देख रहे हैं ब्लॉग तो आप वो वाला यहाँ वाला पार्ट देखते होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग में जो है यहीं तक है, नेक्स्ट ब्लॉग में जो है हम लोग जो है अभी रोपवे देखते हैं, रोपवे की तरफ जो है जा रहे हैं, अगर हो सका पॉसिबल तो रोपवे का अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं 2 साल के बाद जो है वो फिर नेक्स्ट ब्लॉग जो है कि करूँगा।